सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मेरे हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, ये रेडमी का नोट 9 प्रो मोबाइल है। और दोस्तों, ये कुछ इस तरह का है जो कि आप देख सकते हैं। इसके और मॉडल भी हैं जो कि आपने देखे होंगे या आपके पास होंगे। तो आपका अगर मोबाइल ये कुछ हीट कर रहा है या स्लो चल रहा है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर हैंगिंग कर रहा है, तो आपको इसको ज़रूरत है अपडेट करने की। तो आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, हीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अबाउट फ़ोन, इस पर क्लिक करना है जो कि सबसे ऊपर ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी का नोट 9 प्रो मोबाइल है। और मैं आपको ऑल स्पीसीज में जाके दिखा देता हूँ यहाँ पर ये कौन सा मोबाइल है, क्या इसकी क्वांटिटी है। रेडमी नोट 9 प्रो है और जी इसकी 5 GB या 4 GB कह सकते हैं रैम है। और इसका अपडेट जो आया था 2022 मार्च 1 तारीख को आया था। और मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। तो ये मेरा मोबाइल है जो कि आपके पास भी होगा। और आपकी इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप यहां पर अपनी सेटिंग देखनी है कहां पर है। तो आपको सेटिंग्स को ओपन करना है, जैसे कि मेरी सेटिंग्स यहां पर है। तो यहां पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको अबाउट फ़ोन वाला ऑप्शन दिख जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आ रहा है MIUI वर्जन, जो कि हमारा 12 था और इसका अपडेट आ रहा है अभी। तो MIUI का 12.5 था और अब MIUI का 13 अपडेट आ चुका है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपको इसको या तो सिंपली यहां से देख सकते हैं, सिस्टम अपडेट आया है जो कि अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच नवंबर 2022 में इसका नया अपडेट आया है। तो आपको इसको अपडेट करने की ज़रूरत है जो कि नवंबर में आया है। या तो आप सिंपली से नीचे से डाउनलोड पर क्लिक करके यहां से अपडेट कर सकते हैं, या फिर आपको ऊपर ही राइट कॉर्नर पर 3 लाइन दिख रही होंगी, यहां पर सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखना है इनमें क्या क्या आपको ऑन कर रखा है, क्या ऑफ कर रखा है। इसको ऑफ करने से आपका वाईफाई से ये अपडेट नहीं होगा। अगर आप डाउनलोड मैनुअली ऑटोमेटिकली वाले को ऑन कर देते हैं तो ये वाईफाई से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी टाइमिंग भर सकते हैं आप, रात के 2 बजे की टाइमिंग भर लेंगे AM की, जैसे कि यहाँ पर। और ऑफ की टाइमिंग भर लेंगे आप यहाँ पर 5 बजे की भर लेंगे, 5:15 की टाइमिंग भर लेंगे AM की, ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे होगा कि अगर आपके मोबाइल में डाटा है तो आपका ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा रात के 12 बजे के बाद, यानी कि 2 बजे के बाद जो आपने टाइमिंग भरी है। और जब आपका मोबाइल यूज़ में नहीं होगा तब ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप डाउनलोड ऑटोमेटिकली को ऑफ़ कर देते हैं तो ये नहीं होगा, ये सिर्फ आपके मोबाइल डाटा से होगा। और अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो ये वाईफाई से हो जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग है जो आपको करके रखनी है। अगर आप डाउनलोड मैनुअली करना चाहते हैं तो अपने सिम के डाटा से भी कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं करके दिखा दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास अभी स्टोरेज खाली नहीं है, तो क्लीन अप पर क्लिक किया है। क्लीन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने डाटा स्टोरेज क्लीन अप कर दिया है। तो देखते हैं अभी होता है या हमारे पास डाटा नहीं है। तो हमारी स्टोरेज फुल है, तो आप यहां से क्लिक करके कर सकते हैं। तो एक तो मेरे पास अभी स्टोरेज उपलब्ध नहीं है और यहां पर ये 2.7 GB में अपडेट आया हुआ है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं 2.7 GB का अपडेट है। आप देख लेना आपके मोबाइल में कितने GB का अपडेट है, इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फुल्ली फाइनली आपका मोबाइल जो है ओके चलने लगेगा बाकायदा। तो वो सब आपको अपडेट होने के बाद दिखने लगेगा कि आपका मोबाइल कितना स्मूथ चल रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा चलेगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो एक टिप्स और बता दूं मैं, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना है और अपने मोबाइल को अगर आप डार्क मोड पर करना चाहे तो डार्क मोड पर करने से आपके मोबाइल की बैटरी की बचत होने वाली है और इससे आपका मोबाइल की बैटरी लॉन्ग लाइफ चलने वाली है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए भी ना मत जाइएगा। थैंक यू।